Then show that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Option B, triangle CBA is congruent to. चलो सारी ऑप्शंस कॉन्ग्रुएंसी वाली ही है, आप मुझे करेक्ट बताओ कि क्या सीक्वेंस होगा. दो और ऐसे ही गिवन है. टेल मी द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर. ए बी सी इक्वल टू क्यू आर पी. हाँ, बी ऑप्शन. ठीक है, यहां से चेक कर लो ना, ए बी सी इक्वल टू क्यू आर पी बोल रहे हो ना, सीक्वेंस यही होना चाहिए आपका. सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर. नाउ इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई. ए बी सी एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट है. हाँ जी, ABC is congruent to FDE. साथ में हमें क्या कह रहे हैं वो, AB 5 सेंटीमीटर, एंगल B 40 डिग्री, एंगल A 80 डिग्री. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. ऑप्शन A में वो कह रहा है DF 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एफ 60 डिग्री. देन नेक्स्ट ऑप्शन में ही सेइंग डी एफ 5 सेंटीमीटर एंगल ई 60. ऑप्शन सी डी ई 5 एंगल ई 60. हाँ जी, बी डी एफ 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई 60 डिग्री. और ऑप्शन डी में वो कह रहे हैं डी ई 5 एंड एंगल डी 40. बी और सी. चलो कैसे, ए बी 5 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज एफ डी, ये वाला. हाँ, ई 60, यहाँ डी ई है, यहाँ डी एफ है, एंगल सेम है दोनों. चलो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज एफ डी, अगर ए बी 5 है तो एफ डी भी कितनी होगी, 5. अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी. एंगल बी 40 है तो डी 40 हो जाएगा. ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एफ, तो एफ कितना हो जाएगा, 80. जो थर्ड वाला एंगल बचा, एंगल ई इज 60. एंगल सम प्रॉपर्टी से अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, एफ डी 5 है, डी एफ वाली दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से एक विल बी योर आंसर. इसमें वो कह रहे हैं एंगल एफ 60, जबकि हमारा एंगल एफ कितना आ रहा है, 80, यानी कि ये ऑप्शन भी क्रॉस, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, now the next question, we are to find the measure of x. x ka measure humne find out karna hai. we are given a triangle abc this is your B and this is C. यहां पे this is your point D and this angle is 70 degree. We are to find the value of this X. Options are 36, 68, 20, 80. Nine. हां जी, बी 70 डिग्री गिवन नहीं जी. हां जी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल आपका 70 आ गया. ओके,
इसकी भी एक्स आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल में ये और ये साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। एक 70 डिग्री गिवन था तो दूसरा भी 70 आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल गिवन है। कल आपको मैंने बताया था कि कई बार अगर साइड्स रिटर्न में गिवन नहीं होती तो ऐसे मार्क्स लग जाते हैं। इन मार्क्स से अगर ये सिंगल लाइन है तीनों पे, तो इट मीन्स ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल है। तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स आ जाएगा। अब ये वाली ट्राइंगल में मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स आई नीड दिस एंगल। हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो ये कितना आ गया 140। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है, समझ आया? दोबारा देख लो कौन सा। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप ए बी सी में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। x प्लस 70 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 140 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि सेम 2x इज इक्वल टू 40x इज इक्वल टू 20। हाँ जी इक्वल टू 180 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये आया था ना, मैंने सीधा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। चलिए अगले पे चलिए। अब इन द गिवन फिगर ए डी इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, विच डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करते हो ऑपोजिट साइड को, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी सी, ठीक है, दिस इज बी एंड सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि एंगल बी ए डी वी आर टू कैलकुलेट एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी 35 डिग्री। एंगल बी ए डी हमने कैलकुलेट करना है दिस। In the given figure, AD is the median, then angle BAD is, options हैं 32 degree, 40 degree, 38 degree and 55 degree. Angle C 35 आ गया, बिल्कुल ठीक है। Angle A plus B plus C लिख लें, यही कह रही हूँ ना। चलो ए बी और सी जो है 35 प्लस 35 70 हो गया। एंगल ए पूरा कितना आ गया आपका 110। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीडियन है, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं, क्यों एक 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 करके बोलो, ऐसे नहीं, कोई भी एक जना बोलो। साइड को करते है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। कौन सी? हाँ जी इक्वल होगी। हाँ कहाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। पूरा एंगल 110 है तो 55 डिग्री आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन से कि जो आपका अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और इसको अगर ये 1:1 में डिवाइड करता है तो ये एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। सो 55 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर इफ बी सी इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड एंगल ए सी बी। अब फिगर अगेन हमें गिवन है, ए बी सी दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, ये एंगल हमें गिवन है 138।
ये एंगल गिवन है 116 एंड दिस वी आर गिवन, वी आर टू फाइंड एंगल ए सी बी. ये फाइंड आउट करना है. एंगल ए सी बी, वी आर गिवन बी सी इज इक्वल टू सी डी. एक मिनट, क्या करेंगे पहले ये वाला? ओके, लीनियर पेयर से क्या आएगा? फोर्टी टू आ गया. अब ए सी डी, हाँ जी, कितना आएगा? ट्वेंटी टू आ गया, बिल्कुल ठीक है. आगे, अच्छा चलो अभी ये देखो, ये एंगल 116, तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 116 कितना आएगा? 64. ये 64, तो ये भी 64, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल निकल आया 180 माइनस 128, क्या आएगा? अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये 128 आ गया, तो ये 180 माइनस 128 52, दिस इज 52. अब इन दोनों का सम विल गिव यू द आंसर, गॉट इट? चलिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.